तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो, कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस हम सापुतारा में आ चुके हैं और ये होने वाला है एपिसोड 2। तो जो फर्स्ट लोकेशन है, हम वहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं ये पूरा तालाब है। जो हमारा ये भी लोकेशन होने वाला है वो भी अच्छे से दिखाऊंगा आपको मैं। तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से दिखा रहा हूँ, इस एपिसोड 2 में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों फिर से बताता हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अब देख सकते हैं फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, कितना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है ये दोस्तों। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और आपको यहाँ पे होटल सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको यही रुकना है 1-2 दिन के लिए तो आपको वो भी मतलब सुविधा मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं टूरिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ का। ये तालाब है दोस्तों, और आपको यहाँ नाश्ता करने के लिए एक ही चीज ज्यादा मिलेगी, मैगी। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस साइड मैगी। अब देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे एक कारंजा था, मतलब अच्छा पानी निकल रहा था उससे कारंजा, बट अभी वो बंद हो चुका है। देख सकते हैं आगे ही है वो, तो वहां से जाना पड़ेगा हमको फर्स्ट लोकेशन पे। ये देख सकते हैं आप, ये कारंजा है। तो ये अभी स्टॉप है, तो हमारा जो फर्स्ट लोकेशन होने वाला है वो यही है दोस्तों। आप देख सकते हैं इधर से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। इधर के जो स्पॉट है दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे है। आगे एक गिटार लेके जा रहा है, ये होगा फोटोग्राफर है। मतलब ऐसा गिटार हाथ में दो और फोटो निकाल के देगा ये। उनके पास मतलब क्या ही बोलो यार, सब कुछ रेडी होता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है बसेस है यहाँ पे, और टूरिस्ट भी बहुत कम नहीं है और कम ज्यादा भी नहीं है, मतलब अच्छे ही है। अभी ये जो लोकेशन होने वाला है दोस्तों, एक माउंटेन पे है लोकेशन, ऊपर बहुत अच्छा है। अभी ठंडी का टाइम भी है तो बहुत अच्छा मतलब मूड भी है हमारा वहां पे जाने के लिए। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बाइक आ रहे हैं, कार आ रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से होटल से रुकने के लिए ऊपर एक स्पॉट भी है पैराग्लाइडिंग का, मतलब पैराशूट लेके वहां से हम कूद सकते हैं। बट हम कुछ ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि जिस जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वही लेंगे, ज्यादा रिस्क हम कुछ करेंगे नहीं। तो ये स्पॉट मैंने बोला ये यही पे है, आप देख सकते हैं इस साइड पे ये जो पैराग्लाइडिंग का स्पॉट है दोस्तों यहाँ पे। अभी रास्ता भी इतना अच्छा नहीं, पिछली बार आया था तो बहुत अच्छा रास्ता यहाँ पे। और यहाँ पे एक टेम्पल भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा टेम्पल है। और इधर जाने के लिए आप देख सकते हैं फोर व्हीलर भी आ गए, तो उनसे भी आगे रहेंगे हम या पीछे साइड में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए बाइक्स का भी फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही चलना पड़ता है दोस्तों। पिछले बार में मेरे दोस्त के साथ आया था, बट इस बार मैं अपनी खुद की बाइक लेके आया हूँ, क्योंकि तब मेरे पास बाइक नहीं थी, अपनी ये ब्लैकबेरी नहीं थी। उसको भी बुरा लगेगा यार। आप देख सकते हैं रास्ते में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और यहाँ पे सेफ्टी भी लगाए हुए हैं देख सकते हैं आप, क्योंकि ये पूरा माउंटेन का जो एरिया है इसलिए ऊपर ही जो स्पॉट हमारा। तो अच्छा लगता है कि सेफ्टी लगाई हुई है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो दिख रहा है दोस्तों। तो ऊपर जाने के लिए मतलब ऊपर जाने के बाद पार्किंग है वहां पे, तो पिछली बार 10 रुपए लिए थे, अब कितने लेंगे पार्किंग के आई डोंट नो, बट उनको बताएंगे कितने लेंगे, सब कुछ आपको भी दिखाऊंगा उन्हें। तो मजा वो कुछ अलग ही लेवल का आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यार। बहुत दिनों के बाद आया तो ये एक्सपीरियंस तो होना बनता ही है हमारे लिए। अभी भी ऊपर है, अभी सेकंड गियर पे हूं मैं। पेट्रोल ज्यादा लगता है दोस्तों, मैंने 800 800 का पेट्रोल डाला था नासिक से निकलते हुए,
अभी बाइक की सर्विसिंग भी हुई नहीं, इसलिए ज्यादा पेट्रोल दे रही है अभी। आप देख सकते हैं क्या स्पॉट है यार, क्या ही मतलब, क्या ही बताओ यार। आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत टूरिस्ट है। ये बता रहे कि बाइक उधर लगाओ, मतलब पावती लेनी पड़ेगी मुझको। अंदर लगाओ, पावती लेनी पड़ेगी क्या? ठीक है, ओ बे ओम, मदे मदे, तो बोल रहे थे कि अंदर लगाओ गाड़ी और पावती मतलब जाते जाते ले जाओ, ऐसा बोल रहे थे। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे, और मजा भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो बाइक यहाँ पे लगाएंगे और आपको यहाँ का जो पूरा एरिया है वो दिखाएंगे दोस्तों।